गधे वाला बाबा। एक वक्त का किस्सा है, हलवा पूरी नामी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मीठा था। वो बहुत काम चोर था, बस घर में बैठा रोटियां तोड़ता रहता था। उसके पास एक गधा था जिसे वो सवारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। एक दिन वो गधे की सफाई कर रहा होता है कि उसे नसीबो कैंची का फोन आता है। मिठे मेरी जान की टूटे का है तू, जल्दी आ जा। मेरी जान, मैं हवाई जहाज बना रहा हूँ। मिठे तू तो खुद ही जहाज है, तुझे हवाई जहाज बनाने की क्या जरूरत है? और मेरी अनारकली, अपने होने वाले शोहर को जहाज तो ना कहे, तू है किधर ये बता। मिठे मैं गंदे नाले के साथ वाले पार्क में बैठी हूँ, तू आ जा मेरी जान के टोटे आ जा। ठीक है मेरी ममता कुलकर्णी, तू आंखें बंद कर, मैं अभी आया। ठीक है तू जल्दी आ जा, मैंने तेरे से एक जरूरी बात करनी है। ठीक है मैं आया अपने हवाई जहाज पर बैठकर। फिर मीठा गधे पर बैठता है और गंदे नाले के साथ वाले पार्क पर पहुंच जाता है। लानत मिट्टे, ये तेरा हवाई जहाज। और मेरी चमक छल्लो, ये कोई आम खोता नहीं है, ये हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज भागता है गोली की स्पीड से। मिट्टे खोता लेकर तू मेरे सामने आ गया, ये औकात है तेरी, तू मेरी नजरों के सामने से गायब हो जा गोली की स्पीड से। और मेरी जान ऐसे तो ना बोल, चल मैं तुझे बाबा ठुल्ले वाले की कद्दू की आइसक्रीम खिला कर आता हूँ ताकि तेरा गुस्सा ठंडा हो। मिट्टे मैं तुझसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, आज के बाद मैं तुझसे ना मिलने दूंगी। नसीबो, मेरी होने वाली शरीके हयात, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मिट्टे तूने कुछ किया ही तो नहीं है। कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया होता तो आज मैं तेरे साथ होती, खोता नहीं। इस गधे को तू अपने साथ लेके घूम रहा है, ये नहीं कि एक मोटरसाइकिल ले लूं। तेरी किस्मत में ये खोता ही है, तू इसके साथ जिंदगी गुजार। मीठा नसीबो को शादी के लिए मनाने लग जाता है और वहाँ मीठे का बाप उसकी माँ से पूछता है, कहाँ है तेरा बेटा, नजर नहीं आ रहा, उस पर नजर रखा कर कहीं कोई चाँद न चढ़ा दे। क्या तुम हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो? वो नौकरी ढूंढने के लिए गया है, देख लेना आज वो किसी बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बनकर वापस आएगा। मैनेजर बनने के लिए बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, सख्त गर्मी में काम करना पड़ता है और तेरे बेटे की तो 27 डिग्री टेम्परेचर पर गैस निकल जाते हैं। तो बेच दे तू गैस, मेरे बेटे की गैस के सिलेंडर बड़ा बना कर बेच दे, हर वक्त मेरे लाल के पीछे पड़ा रहता है। पीछे तो मैं पड़ूंगा, तू आज आने दे उसे, उसकी सारी मैनेजरी निकालता हो। वहाँ नसीबो कैंची मीठे को शादी के लिए इनकार कर देती है। नसीबो जान मान जाओ ना, क्यों इतनी मिन्नतें करवा रही हो? अगर इतनी मिन्नतें मैंने खोती की होती तो वो भी मान जाती। तू इसकी मिन्नतें कर, मैं नहीं करने वाली तेरे साथ शादी जब तक तू मोटर साइकिल ना ले ले बेगा। अच्छा जान तू परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ बाइक का। ठीक है मिट्टे तू जल्दी मोटरसाइकिल ले ले, वरना मेरे बाबा जानी मेरी शादी किसी मोटरसाइकिल वाले के साथ कर दे देंगे, और तू हाथ पर हाथ रख के मक्खियाँ मारता रह जा बेगा। फिर मीठा खोते पर बैठता है और मोटरसाइकिल के लिए अपने बाप को किस तरह मनाया जाए सोचने लगता है। तो उसके जहन में एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है। आ गया, बहुत जबरदस्त आइडिया आ गया, अब तो मेरा बा मुझे हर सूरत मोटर बाइक दिलवाएगा और नसीबो कैंची मेरी शरीके हयात बनकर मेरी जिंदगी में वापस लौट आएगी। फिर मीठा अपने मुंह पर नकली दाढ़ी लगाता है और अपने घर आकर दरवाजा खटखटाता है। कौन है? ओ कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है? ओ गर्बो वाली, जरा देख कौन आया है। मैं खाना बना रही हूँ, तुम ही जाकर देख लो बाहर। अच्छा अच्छा देखता हूँ, जरूर तेरा बेटा आया होगा नाकाम होकर। ओ बाबा अल्लाह भला करे, कुछ नहीं है खाने के लिए, चल यहाँ से भाग जा। ओ बच्चे, हक बाबा सच बाबा, मैं हूँ डंकी बाबा, तुझे मैं ऐसे ऐसे राज बताऊंगा कि तू खुद कहेगा कि मैं हूँ मंकी बाबा। बच्चे मैं जानता हूँ कि तू बहुत परेशान है। हाँ बाबा जी हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। हालात तेरे बहुत खराब है हक बाबा सच बाबा। जी बाबा जी बहुत खराब है मेरे हालात। बीवी तेरी तुझे रोज जोर जोर से डंडे मारती है। अरे बाबा हक बाबा सच बाबा, बड़ी जोर जोर से डंडे मारती है, ओए बार बार के पिछवाड़ा सुझातिया है। साथ वाली पड़ोसन से तू बहुत प्यार करता है लेकिन वो तुझे घास नहीं डालती।
हाँ बाबा हाँ, आहिस्ता बोलो बाबा, कहीं मेरी बीवी चुड़ैल ना सुन ले, फिर तुम्हारा आके डंडे मारेगी। तू रात को उसके प्यार में रोता है ना? हाँ बाबा हाँ, बहुत रोता हूँ, रो रो के आंखें सूज गई है मेरे। दिन में तू कपड़े धोता है ना? बाबा जी दिन और रात दो टाइम कपड़े धोता हूँ। तेरा बेटा एक नंबर का नालायक है। हाँ हाँ वो एक नंबर का नालायक है, बहुत परेशान किया हुआ है उस बगैरत ने। बाबा बहुत पहुँचे हुए हो आप, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। मैं खोते का क्या करूँ, इसे भी अंदर ले आऊँ? अरे बाबा आप इतने पहुँचे हुए हो तो आपका खोता भी बहुत पहुँचा हुआ होगा, इसे भी अंदर ले आओ। फिर मीठा खोते के साथ अंदर आ जाता है तो उसकी माँ कहती है, अरे इस खोते और फकीर को अंदर क्यों लेकर आ गया है तू? इतने पहुँचे हुए बाबा की इतनी बेइज्जती, तू जलकर भस्म हो जाएगी। बाबा जी से माफ कर दो, इससे गलती हो गई। ओ तो चुप कर, यह बहुत बड़े बाबा जी है, डंकी बाबा है, सब जानते हैं। बोलो खोते बाबा की जय हो। जय हो, हाँ मैं हूँ खोता बाबा, एक नंबर का खोता बाबा। ऐ खूबसूरत लड़की, तुझे सारा दिन आराम करना, शोहर की डंडे से धुलाई करना, शॉपिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन तेरा शोहर तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देता। हाँ हाँ ये तो सच में बहुत पहुँचे हुए बाबा जी हैं, ये तो सब जानते हैं। खोता बाबा नाम है मेरा, मगर मैं खोता नहीं हूँ, सब जानता हूँ। हक बाबा सच बाबा, तुम्हारा बेटा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो बहुत नालायक है, कहीं आवारा गर्दी करने गया होगा। नहीं वो नालायक नहीं है, हालात ने उसे नालायक कर दिया है, उसकी हर बात माना कर, वो बहुत अच्छा बच्चा है। ये क्या कह रहे हो बाबा? हाँ बेटा हाँ, बहुत जल्द उसके पास बहुत पैसा आने वाला है, उसकी हर फरमाइश पूरी किया करो, वरना वो तुम्हें एक रुपया भी नहीं देगा, बहुत पैसा आने वाला है उसके पास। बाबा जी जल्दी बताओ उसकी क्या फरमाइश है, मैं उसकी हर फरमाइश पूरी करूँगा। अच्छा बेटा, अभी मैं अपने अमल से उसकी फरमाइश का पता लगाता हूँ। धूम धड़ाक करके झूले पर लगा ले घीसी, जो मुझे नजर आ रहा है उसके हैं दो व्हील और इंजन है 500 सीसी। क्या नजर आ रहा है बाबा जी, साफ साफ बताओ। बेटा तेरे बेटे ने बाइक की फरमाइश की थी ना? जी बाबा जी की थी। बस तू उसकी फरमाइश पूरी कर दे, फिर देख पैसों की रेल पेल लग जाएगी। अच्छा बाबा जी मैं आज ही उसे बाइक दिलवाता हूँ। बेगम तू जाकर बाबा जी के लिए गुलाब लेकर आ। अभी लेकर आती हूँ। फिर उसकी बेगम गुलाब के फूल लेने चली जाती है। बाबा जी, ओ बाबा जी साथ वाली पड़ोसन तो सेट करवा दो ना बाबा जी, अब तो हम अमीर होने वाले हैं, अब उसके बगैर एक पल नहीं रहा जाता। ठीक है बेटा, तू अपने बेटे को बाइक दिलवा, फिर वो तुझे घर आकर आई लव यू खुद बोल जाएगी। इतने में उसकी बेगम गुलाब के फूल लेकर आ जाती है। बाबा जी मैं आपके लिए गुलाब के फूल लेकर आ गई हूँ, आप पर फेंक कर मैं हजारों साल जियूंगी। मीठे को गुलाब के फूल से बहुत एलर्जी होती है, वो जैसे ही फूल फेंकती है तो मीठे को छींके शुरू हो जाती हैं। अच्छी अच्छी अच्छी। बाबा जी आपकी दाढ़ी गिर गई है, ये लो लगा लो। ये तो देखा देखा सा लग रहा है, अपने मीठे बेटे जैसा लग रहा है। मीठे जैसा नहीं, ये तो मीठा है। ओ कमीने मेरे सारे भांडे फोड़ दिए हैं तूने, तुझे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। अम्मी अब्बू जान पीछे देखो, पीछे तो देखो, वो देखो चिड़िया। रुक कमीने रुक रुक। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।